तो मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हम होटल में थी तो हमें ये होटल मिला था बहुत मुश्किल से, सारे के सारे होटल सब बुक थे। तो ये अब नेक्स्ट दिन है और नेक्स्ट दिन हम निकल रहे थे, होटल छोड़ रहे थे और हमने किया नीचे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ ना होटल्स में ना कोई भी एसी नहीं है, अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में या फिर होटल्स में जाओगे तो एसी आपको उतना नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट रेस्टोरेंट। तो यहाँ तो कोई भी एसी नहीं था और हमें रात हमारी अच्छी ही गुजरी। सो ये है नीचे का एरिया होटल का, होटल गैलेक्सी इसका नाम था। इसने प्राइस हमसे बहुत ही ज़्यादा लिया बट वर्थ नहीं था एकदम, और हमसे यही गलती हो गई थी, हम नीचे होटल बुक करके नहीं आए। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज हम निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ और कुछ देखने को है नहीं, तो थोड़ा मन भी ख़राब लग रहा है और काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो एक तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मतलब मेरा नहीं, जो जिसके साथ मैं आई हूँ तो उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अब वो घबरा रहे कि नीचे कैसे जाए बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम फिर से आ सकते हैं यहाँ पे और फिर से मैं अच्छे से आप लोगों को दिखाऊँगी कि है क्या। सो अभी मैं आई हूँ थोड़ा मार्केट की तरफ और यहाँ से फिर हम निकल चलेंगे। एक जगह थी तारकेश्वर टेम्पल, वहाँ शायद भगवान जी की अभी तक मर्जी नहीं थी आने की इसलिए जा नहीं पाए, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिव जी का टेम्पल मिस कर दिया अगर मैंने ऐसे पहाड़ों में आई हूँ, बट कोई बात नहीं। तो ये है, अब देख लो इस तरीके का ये मार्केट है, ये कोई मॉल रोड टाइप का नहीं है, बस ऐसी छोटी छोटी मार्केट्स हैं यहाँ पर। तो सोचो कि कुछ थोड़ा बहुत ले लूँ, वैसे तो मैग्नेट्स लिए हैं जैसे एज यूजुअल मैं लेती हूँ, पर अभी सोचो थोड़ा बहुत चीज़ ले लेती हूँ घर के लिए, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो जैसे कि हम रेडी हो गए थे वापस घर जाने को, तो हमने ड्राइवर ले लिया था, तो गाड़ी में ड्राइवर वेट कर रहा था बट मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं मार्केट में आ गई थी और मेरे जो भैया भाभी है वो रास्ता कर रहे थे उस टाइम पे। सो मैं यहाँ आई थी मार्केट में कुछ चीज़ें लेने, कुछ घर के लिए चीज़ें लेने, अगर कुछ अच्छी मिलती है तो। यूजली मैं ज़्यादातर मैग्नेट्स लेके जाती हूँ और थोड़ा बहुत गिफ्ट्स लेने थे, तो ये थोड़ी सी मार्केट ही है आपका, एंड रोड्स बहुत ही इंक्लाइंड है, आपको तो ऐसा चढ़ना ही चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी जैसे माता वैष्णो देवी के चढ़ाई चढ़ रहे हैं। सो छोटी सी मार्केट है, आपको गिफ्ट आइटम्स यहाँ मिल जाएंगे, बच्चों के खिलौने मिलेंगे यहाँ पे, और ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अंदर और भी मार्केट एरिया बड़ा था, मैं उतना कवर नहीं कर पाई। तो बस अब मैं जा रही थी मेन अपने होटल की ओर, क्योंकि गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और हमने ड्राइवर ले लिया था नीचे जाने की तरफ से, और ये था ड्राइवर, इसका नाम था सुमित सूद, और इसने हमसे 1000 रुपीज़ लिए थे नीचे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोटद्वार तक। और ये ना हमें गाड़ी में बैठ के इन्फ्लुएंस कर रहा था कि भाई आपने यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, संडे आप रुक जाओ, बट हम इतने ही डरे हुए थे कि साथ में बच्चा था ना, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डर था, अदरवाइज़ अगर हम तीनों ही होते तो शायद इतना नहीं डरते। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस हमारा हो गया, तो ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहा था कि और एक जगह चलो। तो इसने एक भीम पकौड़ा बोल के एक जगह के लिए इन्फ्लुएंस किया और हमने सोचा चलो ठीक है हम चलते हैं वहाँ पे, क्यों वो थोड़ा थोड़ा और ऊपर साइड में था। तो निकलते निकलते हमें 11:30 बज गए थे और हम उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए चल पड़े, और जय भाई वो भीम पकौड़ा जाओ जब गए ना, और रोड इतनी ही गंदी थी, इतनी ही नैरो रोड्स थी ना, हमने फिर सोचा कि हमने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया वहाँ जाने से, और एकदम भी वर्थ नहीं है गाइस। यूट्यूबर ना बहुत ही हाइप करके रखे हैं कि भीम पकौड़ा जाओ यहाँ पे अच्छा व्यू दिखेगा, व्यू भी एज सच ऐसा ही आपको दिखेगा, आई होप कि शायद मानसून में अच्छा ही दिखे, बट मुझे पर्सनली भीम पकौड़ा उतना नहीं अच्छा लगा। ये ड्राइवर का घर भी वहाँ था, शायद इसीलिए इसने इन्फ्लुएंस किया हमें, हमें नहीं पता था, बाद में हमें पता चला। तो ये है आपका भीम पकौड़ा और इतना ही हाइट पे आपको जाना है, ऊपर वाली जो स्टोन है आप वो उसको 2 फिंगर्स से भी आप उसको हिला सकते हो बट वो गिरेगी नहीं,
और इसमें कुछ भी इसके पीछे और कुछ भी हिस्टोरिकल चीज़ें या साइंटिफिक चीज़ कुछ है नहीं। यूट्यूबर्स बहुत कुछ बताएंगे, बट खुद जो ड्राइवर था वो भी बोल रहा था बस ये सिर्फ स्टोन हिलेगा और इसीलिए इसका नाम भीम पकौड़ा दिया। एंड फिर इसने हमें बताया कि संतोषी माता मंदिर चलते हैं, यहाँ चलते हैं, तो हमने सब अवॉइड किया कॉज अब था उतराई का टाइम और उतराई में और ज़्यादा डर लगेगा कॉज गाड़ी एकदम एक खाई के पास है। व्यू बहुत ही अच्छा था, व्यू सच्ची में इतना अच्छा लग रहा था, जाते टाइम उतना इन्जॉय नहीं कर पाए, तो हम यहाँ रुक के थोड़ा बहुत फोटोशूट कर रहे थे एंड ये व्यू का मज़ा ले रहे थे। तो नीचे उतरते उतरते भी हमें बहुत टाइम हो गया था एंड नीचे हमें कह भी रहे थे कि ट्रैफिक भी मिलेगा, इवन डी ड्राइवर भी बोल रहा था कि हमें जल्दी निकलना चाहिए ताकि नीचे ट्रैफिक ना मिले। और गर्मी भी थी उतनी, मैं ज़्यादा उतना हाइट पे गर्मी नहीं लग रही थी, बट अगर आप जून के टाइम पे आ रहे हो तो जून के टाइम पे आप अवॉइड ही करो उत्तराखंड आने का, ये हिल स्टेशन आने का, कॉज आपको गर्मी ही मिलेगी। रात का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री समथिंग होगा, बट जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे हमें गर्मी और मिलती रही। ऊपर से हमने एसी नहीं चलाया था, जैसे पहले कहा था कि एसी चलाने से गाड़ी उतना पिकअप नहीं करती। अब यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था, तो ड्राइवर को जाना था अब ऊपर वापस घर, तो इस टाइम फिर भैया ने गाड़ी चलाई थोड़ी देर के लिए और हम एकदम ही नीचे आ गए थे कोटद्वार तक की। कोटद्वार अभी तक आया नहीं था बट हम ही उधर ही थे। यहाँ पे एक था रेस्टोरेंट, पिंड रेस्टोरेंट, ये जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तब हमें इतना दिखा नहीं, बट नीचे उतराई के समय ये दिखा। हमने सोचा चलो यहाँ पे अच्छे से खा लेते हैं, बिकॉज ऊपर हम इतना सिर्फ ऑमलेट और यही थोड़ा बहुत ही स्नैक्स खाया है, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। तो इधर हम पहले ही प्रॉपर लंच कर लेते हैं। हमारा लंच बहुत ही जल्दी हो गया था, करीबन 1 बजे की तरीब, और खाना इधर का भी बहुत स्वाद था, बहुत स्वाद भी नहीं बोलूँगी बट ओके था। इधर आ रहे हो अगर आप इधर अच्छा पंजाबी फूड खाना है तो आप यहाँ आके खा सकते हो। इंटीरियर बहुत ही सुंदर था, इधर चटाई टाइप की यहाँ बिछी थी जैसे मैट बोलते हैं, उस तरीके का यहाँ इंटीरियर इन्होंने डेकोरेट किया था पूरा, एंड पूरा प्रॉपर पंजाबी फीलिंग दे रही थी। तो हमने मंगवाया था जो फूड आपका एक प्लेटर मंगवाया था, मुझे ना ये केटल्स भी बहुत अच्छे लगे थे, तो ये केटल्स उन्होंने कहा कि वो चंडीगढ़ से लेके आए हैं, इवन जो कुर्सी टेबल और ये सब भी है सब चंडीगढ़ से आया है इनका, और उन्होंने यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बनाया है। यहाँ जो एरिया है ये आपका सिद्धावली टेम्पल के ठीक पास में ही है, ये रेस्टोरेंट होटल के अंदर ही है। एंड दिस इज़ दी प्लेटर, नॉन वेज प्लेटर, तो ये इसमें सब टिक्का कबाब और सब कुछ था, तो हमें ना यही खा के इतना ज़्यादा फीलिंग हो गया था। तो स्टिल हमने थोड़ा बहुत इसमें एक चाइनीज़ आइटम भी मंगवाई थी और रोटी के साथ खाया, और इधर मंगवाई थी एक वेज आइटम दाल, साथ में हमने मंगवाया था नान और पेप्सी। और हमने ना इस रोड पे इस ट्रिप पे इतनी कोल्ड ड्रिंक पी है ना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि गर्मी इतनी ही लगेगी हमें उत्तराखंड में। बट फॉर नेक्स्ट ट्रिप, फॉर मॉनसून ट्रिप, ये जगह बहुत ही अच्छी है। हम वापस उसी रोड से ही जा रहे थे तो आप व्यू देख सकते हो, और यहाँ ना बीच में हम एक जगह खतौली के साइड से दूसरे साइड से हम गए, तो यहाँ ना राजपूत का एक रैली जा रही थी, तो मैं इतना डर लग रहा था, इन्होंने इतनी हाई वॉल्यूम में गाने चलाए थे ना, इवन कि हमारे गाड़ी ऐसा लग रहा वाइब्रेशन से इतनी हिल रही है, इवन मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, इतना ज़बरदस्त लाउड म्यूज़िक था। और मैं अभी सुना नहीं सकती आपको ये लाउड म्यूज़िक, कॉज कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, बट इन्होंने ना रास्ते में तलवारें निकालना शुरू कर दिया था, हमें डर भी लग रहा था, रिस्की भी था, हम सोच रहे थे कि इनसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, पूरे के पूरे राजपूत हैं और उनका कुछ एक फेस्टिवल होगा, ये क्या है पता नहीं, कुछ रैली थी राजपूत रैली, और बस रास्तों में इन्होंने ये तलवारें निकालना शुरू कर दिया और हमें उतना ही डर लग रहा है कि हम कब वापस जाएं। तो हम आ गए थे अब हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे। तो यहाँ पे एक फेमस ये एक रेस्टोरेंट है चीतल ग्रैंड, जो आपको हर रोड पे ये दिखेगा अगर आप ऋषिकेश ऑन द वे टू ऋषिकेश या हरिद्वार जा रहे हो। सो ये चीतल ग्रैंड आपका ओरिजिनल नहीं है, चीतल ओरिजिनल है, ये दूसरा रेस्टोरेंट है। तो इधर ये सेरेमिक्स के सारे एक शॉप लगाए थे एंड बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, मुझे तो भाई बंजारा मार्केट से इसके आधे दम प्राइस में मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी, और इन्होंने बहुत ही हाई प्राइस में इन्होंने यहाँ बताया था।
सो ऑलरेडी मुझे 30-50 रुपीज़ का समथिंग मेरे को यहाँ एक क्रॉकरी मिली, तो वो मैंने परचेज किया है इवन। बट इसका खाना बहुत ही टेस्टी था। हमने मंगवाया था आपका अनियन पकौड़ा और साथ में ये सारा कुछ ना वेज होगा, तो यहाँ सब कुछ लिखा है कि आपको क्या क्या यहाँ से लेना है। एंड ये कॉन्फिडेंशनली जो शॉप थी उसका जो ओनर था या जो भी बैठा हुआ था वहाँ पे, वो बहुत ही बदतमीज़ आदमी था। तो इससे सोचा कि आपको ये व्लॉग में तो मैं ज़रूर बताऊँ कि अगर आप इसके पास जा रहे हो ना, ये है बहुत ही बदतमीज़ इंसान। सो नेवर माइंड, तो हमने ये सारा खाना खाया और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब हम मैं जा रही हूँ वापस घर उसी रोड के थ्रू। एंड बस अब हम बहुत थक गए थे और मैं अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं कौन से ट्रिप के साथ। सो सी यू एंड टेक केयर। बाय।